SC ST OBC आरक्षण खत्म करने पर देखिए सोशल मीडिया का हाल। दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, तेजस्वी यादव लंबे संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में हासिल संवैधानिक आरक्षण को मनुवादी मोदी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। 200 पॉइंट रोस्टर के लिए सरकार द्वारा दायर कमजोर SLP को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। अब विभागवार आरक्षण यानी 13 पॉइंट रोस्टर लागू होगा। SC ST एक्ट की तरह यहां भी सरकार ने धोखा दिया। HRD मंत्री अध्यादेश लाने की बात कर पलट चुके हैं। स्वर्ण आरक्षण चंद घंटों में लाने वाले बहुजनों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के दरवाजे अब बहुसंख्यक बहुजन आबादी के लिए बंद हो चुके हैं। विभाग भर आरक्षण बंद कर पुराना नियम लागू करो, अन्यथा इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुजन ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। नागपुरिया ब्रांड मोदी सरकार सामाजिक न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक और बहुजन विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इन्होंने जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का कवाड़ा कर दिया है। ये कट्टर संघी जातिवाद और पूंजीप्रस्त लोग मनुवाद मुर्दाबाद। सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, मिसाइलों की दिशा 10,000 किलोमीटर से बिना इंटरनेट के बदली जा सकती है, पर EVM हैक नहीं हो सकता। आगे लक्ष्मण यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, 200 पॉइंट रोस्टर बनाम विभाग भर 13 पॉइंट रोस्टर की दास्तां भाग एक। उच्च शिक्षा का चरित्र मूलतः जातिवाद है, इसे कई स्तरों पर समावेशी व सामाजिक न्याय परक होना था, जो कभी हुई ही नहीं। देश के वंचित शोषित की बहुसंख्यक आबादी अव्वल तो उच्च शिक्षा तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। अव्वल तो ये इंदिरा साहनी केस, सवरवाल केस, वी नागराज केस जैसे न्यायिक संघर्षों की एक लंबी लड़ाई के बाद उच्च शिक्षा जैसे सत्ता प्रस्थानों में आरक्षण लागू होने में ही 5 दशक बीत गए। आज़ादी के 50 साल तक इन शिक्षण संस्थानों पर जन्मजात मेरिटधारी स्वर्ण जातियों का ही कब्जा रहा। आरक्षण की जरूरत ऐसे ही अमानवीय और अन्यायप्रिय लोगों के कारण पड़ी। तब 1997 में SC ST आरक्षण और 2007 में जाकर OBC आरक्षण उच्च शिक्षा में लागू किया गया। तब से दो स्तर पर साजिशें हुई, पहला ये कि उच्च शिक्षा में निजीकरण किया जाने लगा और दूसरा ये कि स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया में कमावेश विराम सा लगा दिया गया। सामाजिक प्रतिनिधित्व में 1931 की जाति जनगणना के आंकड़ों की बुनियाद पर SC 15%, ST 7.5%, OBC 52% आबादी का विभाजन कुछ इस प्रकार है, जो आज कम से कम 85% आबादी को कवर करता है। अब इनके उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी का आज 2008 का आंकड़ा कमावेश कुछ इस प्रकार है, 15% आबादी वाले SC 7%, 7.5% आबादी वाले ST 2.12%, 54% आबादी वाले OBC 5%, 15% आबादी वाले स्वर्ण 85%। आरक्षण लागू होने के बाद पदों के क्रम विभाजन को ही रोस्टर कहा गया। अब पहली बार रोस्टर ऐसा बना जिससे कुछ सीटें 85% आबादी वाले आरक्षित वर्ग को मिली। इसका वितरण को समझें, ये माना कि कुल पदों की संख्या 100 है। अब रोस्टर का विभाजन इस प्रकार होगा, ST का आरक्षण 7.5% है। ताजा मामला असंवैधानिक विभाग पर रोस्टर प्रणाली के लागू किए जाने का है। प्रावधान ये रहा कि विश्वविद्यालय कॉलेज को एक इकाई मानकर पदों की सृजित होने को तिथि के बढ़ते कदम से रोस्टर को फिक्स किया जाएगा, लेकिन BHU के एक शोध छात्र की पहल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने एक फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय कॉलेज वार रोस्टर प्रणाली लागू होगी, जिसे 13 पॉइंट रोस्टर भी कहा जा सकता है। इस आरक्षित कर्म विभाजन के बाद रोस्टर कर्म और पदों के आरक्षण की रोस्टर सूची इस प्रकार होगी, पहला UR, दूसरा UR, तीसरा UR, चौथा OBC, पांचवा UR, छठा UR, सातवा SC, आठवा OBC, नौवा UR, दसवा UR, ग्यारहवा UR, बारहवा OBC, तेरहवा UR, पंद्रहवा SC। जिन विभागों में 15 से अधिक पद होंगे, ये विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज को एक इकाई मानते हैं, तो वहाँ यही कर्म रोस्टर 200 की संख्या तक चलता है। यानी 200 के कर्म में पदों की सृजित तिथि से कर्मवार आरक्षित पद फिक्स्ड होते जाते हैं और कमावेश 50% आरक्षण लागू हो जाता है। यहाँ ये याद दिलाते चलें कि 1997 के पहले तक ये पूरा रोस्टर सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों तौर पर UR हुआ करता था, जबकि उच्च शिक्षा में 62% इस सवर्णों के लिए आरक्षित मानकर लगभग सभी पदों पर सवर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जाती रही। एकाध उपवादों को छोड़कर यानी सवर्णों को 100% आरक्षण। आइए अब ये समझते हैं कि ताजा विभाग व 13 पॉइंट रोस्टर आरक्षण विरोधी और संवैधानिक है।
पहला, विभागवार रोस्टर का पहला खेल समझते हैं। इस विभाजन को अब दो स्तरों में समझें। मसलन किसी नए कॉलेज या विभाग में यदि कुल तीन पद होंगे तो तीनों पद रोस्टर में यूआर होगा। यही है पहला और सबसे खतरनाक खेल, जिसे विभागवार रोस्टर बनाने में हमेशा के लिए आसानी हो जाएगा कि हर विभाग में तीन या तीन से कम पदों को विज्ञापित किया जाएगा और आरक्षित पदों का कण कभी आ ही नहीं सकेगा। अब इन विश्वविद्यालयों में नए विज्ञापन आ रहे हैं, वे सभी इसी विभागवार रोस्टर से आ रहा है, जहां आरक्षित पद कभी आ ही नहीं सकेगा। यदि कॉलेज विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता है तो ये खेल कभी नहीं संभव होता, क्योंकि अब ये 200 तक चलता और कुल मिलाकर आरक्षण पूरा होता है। दूसरा, विभागवार रोस्टर का दूसरा खेल समझते हैं। यदि किसी विभाग में कुल 15 पद स्वीकृत होंगे तब जाकर वितरण कुछ इस प्रकार होगा। पहला ST, दूसरा SC, तीसरा OBC और नौवा UR। अब यहाँ भी आरक्षण का कुल प्रतिशत हुआ 15 से 6 पद आरक्षित, यानी 40% आरक्षण। इस लिहाज से कभी संवैधानिक आरक्षण तो लागू ही नहीं हो सकेगा। यदि कॉलेज विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता तो आरक्षण कमावेश 50% तक मिल जाता। तीसरा, विभागवार रोस्टर का तीसरा और सबसे खतरनाक खेल देखिए। माना कि एक पुराना हिंदी विभाग में कुल 11 पद स्वीकृत है, जिसमें से 8 पदों पर आरक्षण लागू होने का पहले ही नियुक्ति हो चुका है। तो ये सभी सवर्ण यहाँ पढ़ रहे हैं, अब आरक्षण लागू किया गया तो इन 8 में से चौथा और आठवा पद OBC और सातवा पद SC को जाएगा, जिस पर पहले से कोई सवर्ण पढ़ा रहे हैं। अब नियमित ये तीनों पद शॉर्टफॉल में जाएगा और आगामी विज्ञापित में नव सृजित 9वें, 10वें, 11वें तीनों पद पर शॉर्टफॉल का पूरा होगा। लेकिन देश के हर विश्वविद्यालय में मनुवादियों ने शॉर्टफॉल को लागू ही नहीं किया और नियम बना दिया कि 4वें, 7वें और 8वें पदों पर काम करने वाले सवर्णों को सेनावृत्त होगा, तब जाकर इन पे आरक्षित वर्ग के कोटे की नियुक्ति होगी। यानी शॉर्टफॉल लागू ही नहीं किया जाएगा, जिससे आरक्षण कभी पूरा होगा ही नहीं और सीधे हजारों आरक्षित पद पर सवर्णों का कब्जा होगा। चौथा, अंतिम साजिश ये है कि यदि किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में अगर 1997 के बाद से SC/ST की और 2007 के बाद से OBC की नियुक्ति नहीं हुई है और पहली बार 2018 में अगर विज्ञापन आएगा तो इस बीच के पदों में जो बैकलॉग होगा उन्हें पहले भरा जाएगा। लेकिन जब रोस्टर ही विभाग भर बनेगा तो ना तो शॉर्टफॉल लागू होगा और ना बैकलॉग, यानी आज की तिथि में ही आरक्षण मिलेगा, जो कभी 49.5% भी पूरा नहीं हो पाएगा। पांचवा, ध्यान रहे कि उच्च शिक्षा में UR कैटेगरी को हमेशा सामान्य माना गया, यानी साक्षरता के जरिए होने वाली नियुक्तियों में कभी गैर सवर्ण की नियुक्ति अपवाद ही रही। आसान भाषा में समझे तो 15% सवर्णों के लिए 50.5% आरक्षण 1931 की जाति जनगणना और 1980 के मंडल कमीशन के सैंपल सर्वे में OBC की जनसंख्या 52% है, लेकिन इन्हें आरक्षण 27% ही मिला है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधित्व तो कभी पूरा हो ही नहीं सकेगा। ऐसे ही PWD अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति व्यावाह होगा। ये है उच्च शिक्षा का मूल चरित्र। इसकी एक एक परत और उघाड़ते चलेंगे तो और भी बदबू मिलेगी। अब मनुवादी सरकार ने न्यायालय के सहारे विभागवार रोस्टर लागू करके बची खुची संभावनाओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आगे दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, अब आरक्षण इस तरह लागू होगा, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होंगे, यानी आरक्षण खत्म। मोदी सरकार ने आपके साथ खेल कर दिया है। आगे सत्यार्थी लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट पर, गोपीनाथ मुंडे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने EVM हैकिंग की जानकारी थी। सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, ब्राह्मणों के घर जन्मी ऐसी अधेड़ उम्र औरत बीमार है, घूट रूप से मानसिक बीमार। वेद प्रकाश लिखते हैं, इनका DNA इंग्लैंड वाला है क्या। आगे दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला लिखने वाले जज UU ललित ने ही यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन खत्म करने वाला फैसला लिखा है। बेंच में जस्टिस बैनर्जी भी थी। ललित के पिता RSS में हैं। ललित मोदी सरकार के समय में जज बने हैं। उन्होंने जज बनने के लिए कभी कोई परीक्षा पास ही नहीं की, वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, इतिहासकारों ने झूठ फैलाया है कि चीनी बौद्ध यात्री हेवन सॉन्ग ने प्रयाग में हमेशा महामोक्ष प्रसिद्ध और कुंभ मेले का उल्लेख किया है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये सब अनुदित शब्दों का खेल है। शीघ्र ही चीनी बौद्ध यात्री हेवन सॉन्ग की भारत यात्रा पर प्रस्तुत पुस्तक आएंगी, जिसे अनुदित शब्दों के खेल की पोल खोली जाएगी।
आगे अनिल कुमार मैनी लिखते हैं, ऐसे ही मेश्राम साहब नहीं करते कहते कि भारत का मीडिया ब्राह्मणों का मीडिया है, टीवी 9 जाहिर निषेध है, बैन ईवीएम। धीरेंद्र प्रताप अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, मेघालय में के खादान में फंसे 15 मजदूरों को केंद्र और मेघालय प्रदेश मरने के लिए छोड़ देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सत्यार्थी लिखते हैं, जो भारतीय समझते हैं कि जनता के वोट से सरकार बनती है तो वो मूर्ख हैं, ईवीएम हैकर। दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर आगे लिखते हैं, बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली आए थे, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, परिवार से लेकर चुनाव क्षेत्र तक में खुशी की लहर थी। फिर अचानक 3 जून को खबर आई कि वे सुबह एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में एक टाटा इंडिका उनकी मारुति SX4 से साइड से टकरा गई और वो मर गए। कुछ सवाल। पहला, उस दिन उनके साथ सिर्फ ड्राइवर वीरेंद्र कुमार और सेक्रेटरी सुरेंद्र नायर क्यों थे? दूसरा, कैबिनेट मिनिस्ट्री होने के बावजूद उनके साथ एक भी सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं था? उस दिन उनका PCO कहाँ, जिसे हर हालात में उनके साथ रहना चाहिए था? तीसरा, गाड़ी के साथ पायलट कार क्यों नहीं थी? एक अकेली गाड़ी में कैबिनेट मिनिस्टर सफर क्यों कर रहे थे? चौथा, जिस एक्सीडेंट में पिछली सीट पर बैठा एक आदमी मर गया, उस एक्सीडेंट में बाकी 2 लोगों को खरोच भी क्यों नहीं आई? पांचवा, CBI को सौंपने का फैसला किसका था? छठा, जांच के दायरे में मुंडे की कार का ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी क्यों नहीं था? सातवा, जिन सुरक्षा कर्मियों को मुंडे के साथ रहना चाहिए था, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? आठवा, घटना के बाद बेटी पंकजा मुंडा ने शक जताते हुए जो फेसबुक पोस्ट लिखा, उसे डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और आखिरी बात, इस कार को देखिए, ये कार वही है जिसमें मृत मुंडे पाए गए थे। थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली की तस्वीर है। क्या आपको लगता है कि इतनी मामूली एक्सीडेंट में किसी की जान जा सकती है? और बाकी 2 लोग इतने स्वस्थ बच गए कि मुंडे को अस्पताल ले गए और बयान भी दे दिया। और अगर मुंडे के साथ कोई घटना की सर्वदलीय संसदीय समिति की निगरानी में जांच कराई जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। आगे सत्यार्थी लिखते हैं, गोपीनाथ मुंडे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्हें ईवीएम हैकिंग पर जानकारी थी। दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, स्कूल के दिनों में एक सवाल मुझे परेशान करता रहा, आखिर ये कैसे हुआ कि जब पूरा भारत बौद्ध धर्म को मान रहा था, देश के हर कोने में बौद्ध मठ स्थापित थे, तब एक दिन आखिरी शासक बृहदत्त को उसका ब्राह्मण सेनापति पीयूष मित्र शुंग मार देता है और पूरे देश को दोबारा ब्राह्मण धर्म के अधीन कर लेता है। उस समय भी भारत की आबादी करोड़ों बौद्धों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? कोई बगावत क्यों नहीं हुई? ये इतनी आसानी से कैसे हुआ कि शंगु ने कह दिया कि बौद्ध भिक्खुओं के सिर लाने वालों को सोने के सिक्के दिए जाएंगे और ये हो गया। आज जब संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आरक्षण के प्रावधान खत्म किए जा रहे हैं, सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, न्यायपालिका बेलगाम होकर जातिवादी खेल खेल रही है, तब SC ST OBC की चुप्पी देखकर समझ में आ रहा है कि 2000 साल पहले भारत से बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ होगा। तब भी बौद्ध नेताओं ने दगाबाजी शंगु से मिल गए होंगे, ब्राह्मणों के बौद्धिक आतंक से बौद्ध विडावन डर गए होंगे। आपको क्या लगता है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, क्या हुआ होगा उस समय? सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, मेरे चाचा का एक दोस्त था, वो बहुत शर्मीला था, हाशमी साहब के पास जाकर भी जुकाम की दवाई ले आता था। हालांकि बाद में पता तो नहीं चल पाया कि उसे दिक्कत क्या, लेकिन वो स्वयं डॉक्टर बनने के चक्कर में हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग सभी पहाड़ घूम चुका था। लोग उन्हें हाकिम साहब के नाम से बुलाते थे और वो मेरे तब तक लोगों को पथरी निकालने का काढ़ा बना कर दिया करते थे। उनकी मशहूरी इतनी थी कि पूरे पत्थर माफिया में वो मशहूर थे। खैर, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने भी ये कहा कि मोदी जी सही कह रहे हैं कि वो सही में 5-5 दिन जंगलों में घूमने आया करते थे। आगे धर्मवीर यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, इस देश के जनप्रतिनिधि में तेजस्वी जी एक ही उम्मीद की तरह बने हुए हैं, लड़ रहे हैं, बाकी बहुजन जनप्रतिनिधि मर गए हैं। आगे धर्मवीर गगन यादव लिखते हैं, रोस्टर के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय में आज शाम 4 बजे। साथियों, आप सभी को पता चला होगा कि 200 पॉइंट रोस्टर के लिए सरकार द्वारा दायर SLP को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि अब 5 मार्च 2018 को UGC लेटर ही मान्य होगा, जो विभाग भर यानी 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का निर्देश देता है। सरकार अध्यादेश लाने की बात कहकर धोखा दे चुकी और कोर्ट ने खिलाफ फैसला सुना दिया। ऐसे में लंबे संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में हासिल संवैधानिक आरक्षण कमावेश खत्म कर दिया गया और अब एक ही रास्ता बचा है कि हम सबको सड़क पर उतरकर पूरी ताकत से आंदोलन करना होगा।
जिससे सरकार पर दबाव बने और सरकार अध्यादेश ले आए, वरना उच्च शिक्षा के दरवाजे अब मुल्क की बहुसंख्यक बहुजन आबादी के लिए बंद हो चुके हैं। आंदोलन की रूपरेखा व रणनीति बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी के पास लॉन में कल यानी 23 जनवरी को शाम 4 बजे एक आपातकालीन बैठक करते हैं और सभी साथी बड़ी संख्या में आए, जिसमें हम कल ठोस रणनीति बनाकर आंदोलन शुरू कर सकेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब भी ना लड़ सके तो हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। आगे धर्मवीर यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, SC/ST OBC के सूरवीरों, कैसा महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है। सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में SC/ST OBC का शिक्षक की नौकरी में आरक्षण खत्म कर दिया है। डिपार्टमेंट के आधार पर रिजर्वेशन का मतलब है रिजर्वेशन खत्म। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये कैसे होगा, आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है, खुद समझ लीजिए। मैं तो हमेशा से कॉर्पोरेट सेक्टर में था और रहूंगा, आप लोग मर क्यों नहीं जाते? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।